हाँ तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद होगी आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज की मेरी न्यू वीडियो है यार। आज हम ये जो गाड़ी लेके आए हैं, हम लैम्बोर्गिनी लेके आए हैं। अब देख लें, न्यू लाइट्स हैं, जो बैक लाइट्स भी न्यू मॉडल है, मतलब कि 2024 का। और अंदर से इंटीरियर आप देख लो, एक्सटीरियर भी देख लो, जो भी है हर चीज़ ब्लैक में। आपको पता, जैसा कि हमें ब्लैक में पसंद है गाड़ी, और कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक पसंद है, तो इसलिए हम ना ब्लैक में लेके आते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ब्लैक में लेके आऊँ आपके लिए। आपको देखो, मेरा ख्याल है सबको ही पसंद होगी ब्लैक में ना। और इस साइड पे, हमारी साइड पे ये दरअसल बारिश हुई है। मैं ये आया हूँ कच्चे वाली साइड पे ना, पेशावर वाली साइड पे, तो दुबई से हमने छुट्टी ले ली है। अब इधर आए हैं तो इधर बारिश हुई है, रोड सब बहुत ज़्यादा गीली, तो मुहतात होकर चलाना पड़ेगा, चलानी पड़ेगी। साइड से भी देख लें आप गाड़ी, मैं कहता हूँ अंत है यार, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और बैग जो इसका स्पीड लिमिट है वो मेरे ख्याल से 350-360 तक जाती है। ये है कि गाड़ी की जो स्पीड है और कंट्रोल है ना, ये बनी ऐसे है कि आगे से भी थोड़ी सी नीचे है, और छत जो है ये भी थोड़ी लो है इसकी। बैग से भी ऐसे बनी है कि वो हवा को जो है ना बहुत इजीली क्रॉस कर जाती है। ये आप चेक करें, साउंड भी है, नेटरस भी है इसका। एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि नेटरस भी है इसके अंदर। नेटरस का जिन भाइयों को पता नहीं होगा, मैं उन्हें बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो सेंसर में से धुआं निकलता है, स्पीड लिमिट होती है, जब स्पीड मारो तो धुआं भी निकलता है, आग निकलती है, उससे बस एक नेटरस बोलते हैं, वो चीज़ भी है। और यार ये जो इसकी बैक किट लगी हुई है, ये देखें, बैक लाइट भी है, बैक लाइट के साथ फुल वो पट्टी टाइप आ रही है लाइट, वो जो है ना एक स्पॉलर लगा हुआ है उसके नीचे वाली साइड पे, दरमियान में देखेंगे बारीक सी लंबी सी लाइट लगी होगी, वो बड़ी ग्रेसफुल करती है, जब ब्रेक मारो तो फिर जलती है। बैक लाइट इसकी वैसे बहुत ज़्यादा प्यारी है। और उसके बाद अल्लाह फला करे, फ्रंट लाइट्स भी 2023 वाली दी हुई है उन्होंने। फोर में कुछ चेंजिंग नहीं की बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है पिक के लिहाज से। और पिक तो आपको पता है लैम्बोर्गिनी में है ही, वैसे ही बहुत है, क्योंकि ये बहुत तेज़ चलने वाली गाड़ी है। और उसके बाद ये अंदर से अब आपको चला के दिखाते हैं। आप अंदर कैमरा मारा है, आप देखें इसका जो स्टेयरिंग है, मीटर है। पहली बात मैं मीटर पर आना, तो मीटर बहुत ज़्यादा इसका प्यारा है, खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद है। और जो स्टेयरिंग है वो भी बहुत पसंद है, क्योंकि स्टेयरिंग जो है सारा उसमें है, क्या नाम है, कपड़े टाइप में जो नहीं होता, चमड़ा होता है जो, एक तो दूसरा होता है ना लेदर टाइप, एक होता है दूसरा चमड़ा कपड़े टाइप, वैसा बना हुआ है, बड़ा सॉफ्ट सा वो है, हीटेड जो है, क्या नाम है, स्टेयरिंग है, बड़ा मज़ेदार है। आप ये आप देखें, बाहर से दिखा रहा हूँ आपको, गाड़ी जो है ना बहुत अच्छी है। ये ब्रेकिंग चेक करें, आगे पीछे जो है डिस्क है इसकी, जिधर गाड़ी को ब्रेक मारी उधर जाम हो। तो अच्छा यार, अब इधर ही अपनी वीडियो एंड करूँगा मैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करो यार आप सब लोग। और उसके बाद यार, अब सब्सक्राइब पे फिर से ब्रेक लग गई है, पहले अच्छे भले होते जा रहे थे, मतलब डेली के बेस पे ना 2-3 हो रहे थे, लेकिन अब जो है ना, अब फिर काम ठप हो गया, दम लगा दिया। अब लोगों ने करें यार, कुछ ना कुछ करें, ठीक है। और गाड़ियाँ आपको इंशाल्लाह रोज़ ब रोज़ दिखाता रहूँगा मैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, स्पीड आपको फिर से एक बार दिखा दूं मैं, इधर स्पीड माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी है। गाड़ी जो है ना ये बहुत पावरफुल है, और उसके बाद क्या नाम है, स्पीड लिमिट भी बहुत है। इसे आप किसी ऑफ रोडिंग पर भी छोड़ोगे ना, गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आप ये देख लो, रोड अब कुछ हद तक सही है, ये पैलेस रोड है। ये पहले जो थी ना, क्या नाम है, पहले वो गीली रोड थी, इसलिए मैं ज़्यादा भगा रहा नहीं था, क्योंकि टायर जो थे बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे, और टायर हमने वो दूसरे डलवाए नहीं हुए, तो इसलिए ठीक है। अब इधर ये पीछे से खूबसूरती देख लें आप, आगे से भी, इस साइड से भी, ठीक है। अब इधर ही मैं अपनी वीडियो एंड कर रहा हूँ, ओके बाय।